सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी टीम में जसप्रीत बुमराह की वापसी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रहा प्रैक्टिस मुकाबला आखिरकार अपने अंतिम दिन के खेल तक पहुंच चुका है। अगर बात करें इस प्रैक्टिस मैच के मुकाबले की तो शुरुआत में भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में खेला जा रहा 3 दिन का प्रैक्टिस मुकाबला ड्रॉ हो चुका है। तीसरे दिन के खेल के खत्म होने से पहले ही भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की टीम को 305 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम महज 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना पाई। और फिर क्योंकि तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका था तो उसके बाद मैच ड्रॉ हो गया। और दोस्तों भले ही भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में खेला जा रहा यह प्रैक्टिस मुकाबला तीसरे दिन के खेल में रद्द हो गया हो, लेकिन आपको बता दें कि तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम के कुछ मुख्य गेंदबाजों का जलवा भी देखने को मिला था। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे दिन के खेल में जब 305 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी वेस्टइंडीज की टीम, तो महज 21 ओवर तक वे अपनी पारी में 47 रन ही वे अपने खाते में जोड़ पाई थी और वेस्टइंडीज की टीम के 3 विकेट भी गिर गए थे। और यह तीनों ही विकेट लिए भारतीय टीम के कुछ मुख्य गेंदबाजों ने। सबसे पहला विकेट रविंद्र जडेजा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत को दिलवाया। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम के सलामी जोड़ी के बल्लेबाज जो अपनी पारी में 16 रन लगा चुके थे और क्रीज पर सेट होने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी दौरान रविंद्र जडेजा ने उन्हें LBW आउट करके पवेलियन की तरफ रास्ता दिखा दिया। इसके बाद बड़ी आसानी से जसप्रीत बुमराह ने अगले बल्लेबाज को एक बड़ा शॉट मारने पर मजबूर किया और रविंद्र जडेजा ने यहां भी एक शानदार कैच पकड़ा। तीसरा विकेट ब्रेंडन किंग नामक बल्लेबाज का रविचंद्र अश्विन ने भारतीय टीम को दिलवाया, जिनका कैच अजिंक्य रहाणे ने स्लिप में पकड़ा था। दोस्तों खास तौर पर रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह की यह शानदार गेंदबाजी थी जिसके चलते भारतीय टीम को इतनी छोटी पारी के अंतर भी 2 विकेट मिल गए। रविचंद्र अश्विन ने भी शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। ऐसे में इन तीनों खिलाड़ियों ने इस बात को पक्का कर दिया है कि अब भारतीय टीम की गेंदबाजी कितनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इस प्रदर्शन के चलते सभी इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय टीम टेस्ट सीरीज को बड़ी आसानी से जीत जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 22-26 और फिर दूसरा मुकाबला 30-3 तारीख तक खेलना जाना है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में होने वाली या 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर वेस्टइंडीज? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।